वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सुबह से था कहां। वेल फ्रेंड्स, मैं देखने गया था रवि तेजा की फिल्म तज चेसी चूड़ू। वेल फ्रेंड्स, पहले तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मुझे वहां के साउथ के क्रिटिक्स को कुछ कहना चाहता हूं। वेल, अगर आपका कोई नेक्सस बना हुआ है कि आप कोई सुपरस्टार की फिल्म आ रही है तो उसको नीचा गिराना है, या फिर कोई ऐसा स्टार हो जो आपको पसंद नहीं है बस उसको फिल्म को रिव्यू देकर नीचा गिराना, प्लीज स्टॉप कर लीजिए। दिस इज नॉट क्रिटिक एथिक्स। जब से यू नो विवेगम आई अजीत की, या फिर मर्सल ले लो, या महेश बाबू की फिल्म स्पाइडर ले लो, या फिर अज्ञातवासी ले लो, मैं मानता हूं कि जितनी भी फिल्म्स थी वो परफेक्ट नहीं थी, लेकिन इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म, उनका इतना मेहनत जाता है उन फिल्मों में, उन फिल्मों को सिर्फ एक स्टार या आधा स्टार देना इज नॉट डन। ये रिव्यू उन सबके मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि गाइज मैं ये फिल्म देखने से पहले इसके रिव्यूज पढ़ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आज संडे है, दो दिन से रिव्यूज आ रहे हैं, मैंने एक डेढ़ स्टार से ऊपर देखा नहीं इस फिल्म के लिए, इसलिए इस फिल्म को देखने के लिए मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा नहीं थी। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने मुझे कहा, सर आप प्लीज ये फिल्म देखो, क्योंकि हम लोग रवि तेजा की फिल्म इस चैनल पे हमेशा रिव्यू करते हैं, मैं राजा दी ग्रेट पे रिव्यू की थी, तो फ्रेंड्स मुझे ये फिल्म देखना जाना जरूरी था। जब मैं इस फिल्म में देखने शुरू किया, तो फिल्म देखना स्टार्ट किया मैंने, आई वॉज प्रेजेंटली सरप्राइज्ड। इट वॉज अ मास एंटरटेनर, एक ऐसी मास एंटरटेनर जो रवि तेजा करने के लिए मशहूर है। आई मीन, अगर आप रवि तेजा को जानते हो, वो साउथ इंडस्ट्री में एक ऐसा एक्टर है जिसके फिल्म में स्टोरी का कोई ठिकाना नहीं होता। ए बी, वो इतना एंटरटेन करता है, डांस, सॉन्ग, एक्शन, कॉमेडी, आप लोगों ने जितनी फिल्में उसके डब, सेट मैक्स और जी सिनेमा में देखी होगी तो आपको पता होगा रवि तेजा किस तरह का एक्टर है। ही इज अ फुल ऑन पैसा वसूल मास एक्टर, इसीलिए उसका नाम साउथ में रखा गया है मास महाराजा। और मुझे तो लगा कि रवि तेजा की लास्ट फिल्म थी राजा दी ग्रेट, उससे अच्छी फिल्म थी ये तज चेसी चूड़ू। सो फ्रेंड्स, रिव्यू थोड़ा बढ़ा है इसलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये एक स्पॉइलर रिव्यू है एक्सक्लूसिवली हिंदी लैंग्वेज में, तो जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी है और पूरी कहानी सुनना नहीं चाहते वो रिव्यू यहीं बंद करके चले जा सकते हैं। जो लोग ये सुनना चाहते हैं सीट की पेटियां बांध लीजिए, दिस इज गोना बी वन हेल ऑफ अ राइड। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फिल्म की शुरुआत होती है हैदराबाद में, वहां पे एक गोडाउन रहता है, वहां पे रेड हो जाती है, पुलिस जितना भी सामान रहता है गोडाउन का वो सीज कर लेती है। तभी फ्रेंड्स मुरली शर्मा वहां का यू नो कमिश्नर रहता है, उसको एक रात को फोन आता है, फोन करता है फ्रेडी दारूवाला। यस फ्रेंड्स, फ्रेडी दारूवाला वही है जो अभी सलमान खान की फिल्म रेस में आने वाला है। वेल, फ्रेडी दारूवाला उसको बोलता है जो पुलिस वहां पे रेड किया उसको स्टॉप कर दे, उसने जो भी सामान लिया है उसको वापस हमारे हवाले कर दो। वहां से उसके आदमी आते हैं और पुलिस को थप्पड़ मारते हैं। पुलिस जाकर मुरली शर्मा से कहता है, सर आपने जो काम किया ना वो काम सही नहीं है, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता था, ये क्यों किया? मुरली शर्मा कहता है, मुझे पता है मैंने गलती की, मुझे पता है मैंने मिस्टेक क्यों, सब की वजह है कार्तिकेयन। अभी कार्तिकेयन कौन है? तभी एंट्री होती है एक बीच पे, सुपर स्लिम, इतना वजन घटा लिया रवि तेजा ने कि पहचानने में नहीं आ रहे, ब्लैक कलर की दाढ़ी और एकदम स्मार्ट लग रहे हैं। वॉलीबॉल खेलते हुए बीच पे एंटर करते हैं मास महाराजा रवि तेजा एज कार्तिकेयन। फैंटास्टिक सीन है फ्रेंड्स। उनकी दो बहनें हैं, एक माँ है एक बाप है, ऑब्वियसली एक माँ एक बाप होगी। वेल फ्रेंड्स, उनके साथ एक असिस्टेंट भी है उनका, उनकी एक कंपनी है, उस कंपनी में सब जगह दीवारों पे लिखा है फैमिली इज लाइफ, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, फैमिली के आगे कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा कॉमेडी सीन रहता है, वो पूरे यू नो ऑफिस वालों को फैमिली पे लेक्चर देते हैं। और फ्रेंड्स, एक परफेक्ट परिवार के साथ अगर आप जाके कोई फिल्म देखना चाहते हो तो वो है तज चेसी चूड़ू। कहानी आगे बढ़ती है और जो ऑफिस रहता है रवि तेजा का, उसमें एक रॉबरी हो जाती है, चोरी हो जाती है, चोरी करता है नायडू गैंग। वेल फ्रेंड्स, नायडू गैंग की कंप्लेंट लिखाने के लिए रवि तेजा लोकल पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि पुलिस भी उससे मिली हुई है। तभी वो रस्ते से अपने घर वापस जा रहा है, तभी फ्रेंड्स एक मेडिकल प्रोटेस्ट होती है। फ्रेंड्स, मेडिकल प्रोटेस्ट रहती है और वहां पे हमें पता चलता है फ्लैशबैक। फ्रेंड्स, फ्लैशबैक में हमें दिखाई जाती है एक लड़की, लड़की का नाम रहता है सीरत कपूर। सीरत कपूर इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट, मोस्ट बक्सम बेब्स आई हैव सीन इन तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री। शी इज सुपर हॉट। जब वो स्क्रीन पे आती है, स्क्रीन पे ना ऐसा लगता है कि 440 वोल्ट जल गए स्क्रीन पे। कभी फ्रेंड्स फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं उसके कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है, क्या वो मर गई है, क्या वो जिंदा है, ये कुछ पता नहीं चलता। कभी फ्रेंड्स रवि तेजा नीचे जाता है तो उसके माँ बाप कहते हैं, भाई बहुत साल हो गए, अब है ना तू शादी कर ले। रवि तेजा बोलता है ठीक है यार चलो शादी कर लेता हूँ। उसे लैपटॉप पे लड़कियों की फोटोज दिखाते हैं, रवि तेजा उसमें से राशि खन्ना को सेलेक्ट करता है। वेल फ्रेंड्स, रवि तेजा की जो दादी रहती है पहले से राशि खन्ना के घर पे जाके उसको सेलेक्ट कर लेती है, वो अपने नाम से लड्डू विड्डू बनाती है, बोलती है तू बनाई बोलना ठीक है। रवि तेजा एंटर करता है, लड्डू खाते हुए समझ जाता है ये तो मेरी दादी ने लड्डू बनाया। पहला सीन रवि तेजा और राशि खन्ना, राशि खन्ना इस फिल्म की हीरोइन है। राशि खन्ना की तारीफ मैं इस रिव्यू में करते हुए थकने नहीं वाला हूँ, शी हैज गॉट ग्रेट स्क्रीन प्रेजेंस।
प्रेजेंस, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है फ्रेंड्स इतना फैंटास्टिक है, वो भी 440 वोल्ट से चमकती है स्क्रीन पर। तभी दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, रवि तेजा थोड़ा बात करने में थोड़ा रफ एंड टफ है, वो बोलती है मुझे शादी नहीं करनी, रवि तेजा बोलता है मुझे शादी करनी है। तभी फ्रेंड्स पहले 20 मिनट यू नो फिल्म के खत्म हो जाते हैं, काफी ब्रीजी, काफी एक भी मिनट बोर नहीं होता डिस्पाइट हैविंग जीरो एक्शन सीक्वेंसेस। तभी फ्रेंड्स राशि खन्ना का जो नेक्स्ट सीन रहता है, रवि तेजा बोलता है अरे यार चल ठीक है मैं तेरे से माफी मांगता हूँ, वो आता है माफी मांगने के। तभी आपको गाना याद होगा, इन आंखों की मस्ती में मस्ताने हजारों है, उसका रिमिक्स हिप हॉप वर्जन, राशि खन्ना इतना सा टॉप पहना उसने, एपिक फैंटास्टिक डांस, रवि तेजा का मुंह खुला खुला रह जाता है, वो बोलते चल यार कॉफी शॉप चलते हैं मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। तभी राशि खन्ना बोलती चल यार चल कोई बात नहीं। वहां पे सबसे फनीएस्ट जोक, दोनों ऐसे बैठे हुए, रवि तेजा कहता है तुम्हें पता है अगर कोई नॉर्मल लड़का होता ना तुमको बोलता स्माइल प्लीज, और अगर मैं मुसलमान होता तुमको क्या बोलता पता है स्माइल प्लीज। काफी फनी जोक है, काफी क्रासी जोक है, लेकिन जो मास ऑडियंस है उनको पसंद आता है। तभी वो रवि तेजा उसकी ब्यूटी को कंपेयर करता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से, वो भी काफी फनी सीन है, लेकिन वो पिस ऑफ हो जाते हैं क्योंकि रवि तेजा बोलता है तेरे सर पे एक सफेद बाल है, एक काम क्यों नहीं करती तू गोदरेज 4.0 अमोनिया फ्री हेयर डाई लगाया कर अच्छी लगेगी। वो उसको पिस ऑफ कर देता है, पूरा लेक्चर उसका घर वाले उसको देते हैं कि तू पागल है, लड़की को ऐसा बोलता है क्या। उसके बाद राशि खन्ना का इस फिल्म में नाम रहता है पुष्पा, पूरा दिन प्रैक्टिस करता है पुष्पा आई एम सॉरी पुष्पा आई एम सॉरी, लेकिन वो इतनी गुस्से में रहती है। लेकिन फ्रेंड्स नेक्स्ट दिन वो उसको बुलाती है माफी मांगने के लिए, वो बोलती चल तेरे से माफी मांगती हूँ तू आ जा। तब फ्रेंड्स रवि तेजा जब माफी मांगने के लिए जाता वहां पे, तभी गाना आता है मास महाराजा का पुष्पा सॉन्ग, फैंटास्टिक सॉन्ग है गाइस, इतना बेहतरीन कोरियोग्राफी किए लोग ने आउटर लोकेशंस में, राशि खन्ना तो फैंटास्टिक लग ही रही है, रवि तेजा भी फैंटास्टिक लग रहा है। तभी फ्रेंड्स वहां पे टकलू अंकल रहता है, उसके यार एक्सीडेंट होते राशि खन्ना की उसका, और टकलू अंकल का कॉमेडी भी काफी अच्छा है, बहुत काबिल तारीफ है। फ्रेंड्स उसके बाद लेकिन राशि खन्ना के दिल में रवि तेजा के लिए आस्ते आस्ते जगह बन जाती है, और राशि खन्ना रवि तेजा को सॉरी बोलती है, और उसके बाद दोनों को बीच में थोड़ा सुझाव हो जाता है। लेकिन रवि तेजा के जो घरवाले रहते हैं वो उसको बोलते हैं एक बार राशि खन्ना से कंफर्म कर ले भाई तो उसे प्यार करती है कि नहीं। लेकिन रवि तेजा गलती से राशि खन्ना सामने खड़ी है उसको नहीं पता, वो बोलता है मैं शादी वादी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो है ना बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसीलिए इससे लव अफेयर कर रहा हूँ। राशि खन्ना फिर से पिस ऑफ हो जाती है, रवि तेजा को दूसरी लड़की को देखने के लिए जाता है। लेकिन फ्रेंड्स तभी शुरू होता है द मेन फिल्म, जो नायडू रहता है स्टार्टिंग में उसका क्लैश होता है एक्टिविस्ट के साथ, उसका क्लैश होता है रवि तेजा के साथ, लेकिन रवि तेजा उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स जब उसके बीच में राशि खन्ना को आस्ते आस्ते रवि तेजा की कमी खलती रहती है, और वो चाहती है कि रवि तेजा उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन फ्रेंड्स रवि तेजा की जो जिसे लड़की के पास जाता है दूसरी लड़की के पास, राशि खन्ना वहां भी जाके उसका पत्ता कट कर देती है, रवि तेजा फुल अपसेट है, दारू पी रहे थे, राशि खन्ना को बोलता है उसको रात को क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, राशि खन्ना बोलती है अरे अगर रात को तूने मुझे किस किया मेरी इज्जत लूट रही, वो बोलता है मुझे माफ कर दो, बोलती नहीं नहीं मुझे अच्छा लगा, दोनों के बीच में स्मूच होता है। उसके बाद एक और फैंटास्टिक गाना आता है जिसमें राशि खन्ना निकलती है पूल में से, यस फ्रेंड्स स्विमिंग पूल से निकलती है रवि तेजा है, डेजर्ट में सॉन्ग है फैंटास्टिक, अगर 100 रुपया खर्चा करके जा रहे हो तेलुगु नहीं भी समझता ना पिक्चर में फुल ऑन टाइम पास। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद हमें पता चलता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिल्म का 1 घंटा हो गया, एक भी एक्शन सीन नहीं, आपको जरा भी बोर नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद रवि तेजा को पता चल जाता है कि इसने जानबूझ के लड़की को भगाया, वो गुस्सा हो जाती है और वहां से चले जाता है। वेल फ्रेंड्स राशि खन्ना इधर रवि तेजा इधर, उसके बाद उसके ऑफिस के जितने भी लोग हैं उसको किसी ने धुलाई कर दिया है, और रवि तेजा बोलता है ये केस कैसे भी सॉल्व करो पुलिस को, 2 मिनट में सॉल्व कर, पुलिस बोलती है 2 मिनट में सॉल्व करेगा चल चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ उसके पास, तू 2 मिनट में केस सॉल्व करके दिखा। वो सीन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, रवि तेजा जाता है वहां पे बोले उसकी मजाक उड़ाता है 2 मिनट में केस सॉल्व करेगा चल चल एक काम करो इसको पुलिस की टोपी दे दो एक को बेल्ट भी दे दो। वो सीन एक हाथ से ना पूरा चेन खींचता है, वही चेन लेके ना पट 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 मारता है, पूरा गाड़ी तोड़ देता है यार, विलन लोग की फुल धुलाई धनाधन। उसके बाद बोलता है देखा एक को बोलते हैं पावर, वो मास सीन फैंटास्टिक। लेकिन फ्रेंड्स अगले दिन जो एक्टिविस्ट रहता है उसका खून हो जाता है, लेकिन उसके खून को देखती है रवि तेजा की बहन, यस फ्रेंड्स रवि तेजा की बहन खून को देख लेती है, रवि तेजा बोलते हैं ठीक है तू रुक जा तू कहीं मत जाना। वो जाके मिलता है सयाजी शिंदे, मनोज वाजपेयी की फिल्म शूल का विलन था सयाजी शिंदे, उसके पास इसको लेके जाता है और बोलता है चल स्केच बना। वेल फ्रेंड्स स्केच नोट्स काफी बड़े हो गए, वेल फ्रेंड्स स्केच बनाने के लिए बोलता है, उसके बाद जब उसको स्केच बनाने के लिए लेके जाता है उसको बुरखे में लेके जाता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके। लेकिन
जो स्केच रवि दादा की बहन बनाती है वो रहता है फ्रेडी दारू वाला का। यस फ्रेंड्स, फ्रेडी दारू वाला का स्केच रहता है और शायरी शिंदे गुस्से में आ जाता है, बोलता है क्या रे देखो क्या बेवकूफ दिखता है, हाँ ये ना इरफान लाला है, बहुत साल पहले मर गया साले बेवकूफ दिखता है। तभी फ्रेंड्स एक बैंक में से फ्रेडी दारू वाला उतरते हुए दिखा देता, टक 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 टक, उसकी बहन चिल्लाती है आने देखो उधर, और चिल्लाता है इरफान, चेस सीक्वेंस फैंटास्टिक, उसको पकड़ने के लिए जाता है और लेकिन फ्रेडी दारू वाला भाग जाता है। तभी फ्रेंड्स वो मुरली शर्मा को फोन करता है, बोलता है अबे कमिश्नर इरफान लाला जिंदा है क्या मर गया? वो डर जाता है, बोलता हाँ हाँ वो जिंदा है, बोलता है आई एम कमिंग। तब हमें पता चलता है रवि तेजा पुलिस इंस्पेक्टर है, पूरा ग्राउंड में सिर्फ रवि तेजा पुलिस, रोबो में सीन था ना सब रजनीकांत, इसमें सब रवि तेजा। वीएफएक्स थोड़ा खराब है, अच्छा नहीं लगता, दमदार नहीं है, लेकिन रवि तेजा की एक्टिंग फैंटास्टिक है। इंटरवल के बाद फ्लैशबैक, ऑब्वियसली अब रवि तेजा कौन है, पुलिस कैसे बना है तो पता करना है। तभी फ्रेंड्स मुरली शर्मा जो हैदराबाद का डीजीपी रहता है, डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस, उसकी बेटी किडनैप हो जाती है। किडनैपर बोलते हैं ऐसा पुलिस वाले को भेजना जो एकदम कॉमेडी हो, ठकेला हो, या तो फिर किसी और आदमी को भेजना। तभी फ्रेंड्स रवि तेजा एंटर करता है मस्त पान वान खा के, क्या मिया क्या पूछ रहे काय को बुलाया मेरे को, वो अंदर आता है सबको लगता है ये कोई लुखा मवाली है। लेकिन जब वो किडनैपर लोग के पास जाता है तब उनको पता चलता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है। फैंटास्टिक सीन, किस तरह किडनैपर लोग को मार के वो लेके आता है यू नो वापस लड़की को घर पे, फैंटास्टिक सीन, और कहता है एपिक एनकाउंटर केस क्लोज चाहिए। उसके बाद जो टाइटल ट्रैक है टच्चे सिचूडू फैंटास्टिक, पूरा हैदराबाद पुलिस कैसा कैसा केस सॉल्व करता है, एनिमेटेड है, रेड एनिमेशन, लाइव एनिमेशन। उसके बाद वो एक ऐप बनाता है, यस फ्रेंड्स ऐप का नाम रहता है एटीपी, एनी टाइम पुलिस, एपिक सीन्स है। और फ्रेंड्स होली का दिन रहता है, होली के दिन में एंटर होती है, उसका नाम फिर से भूल गया, सीरत कपूर, हॉट हॉटेस्ट हॉटर। और सीरत कपूर को देखते ही सीरत कपूर को उससे प्यार हो जाता है। अगले दिन सीरत कपूर उसके घर पे उसके माँ बाप को लेके पहुंच जाती है, रवि तेजा के बिस्तर में घुस जाती है, रवि तेजा को मस्त छूता होता है, पप्पी वप्पी होती है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स वहां से फिल्म शुरू होती है और हमें पता चलता है कि रौफ लाला, यस फ्रेंड्स हैदराबाद में AIMM पार्टी बहुत फेमस है असुद्दीन ओवैसी की, उसी के जैसा डुप्लीकेट आदमी इसमें बनाया है। आपको मस्ती याद होगी, ये वाली मस्ती नहीं, पहली वाली मस्ती जिसमें वो मर्डर रहता है, अरे खून करने वाला लंबे बाल वाला, वही इस फिल्म में बना है। वो लीडर वहां के पार्टी का, उसका नाम है रौफ लाला, पूरा स्टोरी अग्निपथ से ली हुई है, रौफ लाला वही है, उसका एक पागल भाई है, इसमें पागल भाई है और उनका एक बेटा भी है जो है फ्रेडी दारू वाला, ओल्ड सिटी के बहुत बड़े गुंडे है। तभी फ्रेंड्स जो सीएम रहता है वो बहुत परेशान है, उसको रैली करना है वहां पे, लेकिन ओल्ड सिटी के गुंडे है उसको रैली करने देंगे नहीं, लेकिन रवि तेजा बोलता है मैं रैली करने दूंगा, कौन रोक सकता है मेरे को, दिखा के दिखाओ। वो सीन फैंटास्टिक, रैली शुरू होती है, लाला फोन करता है जितने लोग हैदराबाद के ओल्ड सिटी वाले सब लोग हैं पूरा आग लगा डालो, सीएम का रैली नहीं होना कैसे भी। वेल फ्रेंड्स रवि तेजा का वो सीन पूरा, कम से कम 100-150 ड्रोन और जितने भी लोग नेता लोग खड़े हैं ना बेचारे कार्यकर्ता, सफेद कुर्ता पजामा पहन के खड़े, रवि तेजा मुरली शर्मा चिल्लाता है साले क्यों वादा किया, जब मदद नहीं करना तो क्यों वादा किया, वो बोलता है छोड़ो। सब पुलिस वाले, 1000 पुलिस वाले एक एक करके कुर्ता फाड़ते और अंदर पुलिस पुलिस पुलिस, 1000 लोग पूरा यू नो जाके फुल मड़ा धन धन मारते हैं। और फ्रेंड्स वो सीन जब लाला वर्सेस तेजा, यस फ्रेंड्स रौफ लाला वर्सेस तेजा, फैंटास्टिक सीन है। रईस में सीन था ना आंसू गैस में, शाहरुख खान निकलता है वैसे रवि तेजा निकलता है, मस्त डायलॉग है, यू नो रौफ लाला बोलता है ये मेरा शहर है यार, यहाँ सब लोग मेरे को शेर बुलाते हैं, रवि तेजा बोलता है अगर तू शेर है तो मैं ग्लोबल वार्मिंग हूँ, कोई सेंस नहीं मेक करता, लेकिन काफी मजा आता है, पब्लिक खूब सीटी मारती है, लाला को अरेस्ट कर लेते। तभी फ्रेंड्स फिल्म में एंटर होते हैं वेनिला किशोर, कॉमेडियन है काफी फेमस है, वो लाला को पूछता है क्या लाला चाय पीती, एपिक कॉमेडी सीन है। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद इलेक्शन डे आ जाता है, इलेक्शन डे से पहले हमारे जो हीरोइन है ऑब्वियसली रवि तेजा के साथ थोड़ा डांस सॉन्ग होना पड़ेगा, वो डांस सीक्वेंस फैंटास्टिक है, फॉरेन डांसर्स है, वो डांस सीक्वेंस यू नो पिक्चर में जान डाल देता है। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद लाला इलेक्शन हार जाता है, फ्रेडी दारू वाला एकदम गुस्से में आता है। एक दिन एक पार्टी में होम मिनिस्टर का बेटा रहता है, उसकी गर्लफ्रेंड को वो सर पे गोली मार देता है। वेल फ्रेंड्स होम मिनिस्टर का बेटा अपने बाप के वहां जाता है, बाप को बोलता है देखो देखो मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया। वेल लाला फोन करता है ये ले 500 करोड़ अपने बेटे को भगा दुबई, केस इधर ही सॉल्व करते। वेल फ्रेंड्स जो लड़की मर गई थी बिचारी वो थी सुभाषिनी मणिरत्नम, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, की बेटी रहती है। और फ्रेंड्स वो एक स्टूडेंट रहती है, शरीफ स्टूडेंट, सुभाषिनी मणिरत्नम कहती है, मास प्रोटेस्ट करती है, सब लोग यू नो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, बोलती है मेरी बेटी का कैरेक्टर, बेटी का चरित्र अच्छा था, मैं कैसे भी इंसाफ चाहिए। एंटर करता है रवि तेजा, रवि तेजा बोलता है मैं वादा करता हूं
कि मैं तेरे बेटे को इंसाफ दिलाऊंगा और उसको जूस पिला के उसका जो फास्ट रहता है वो खत्म करता है। लेकिन फ्रेंड्स वहां से कहानी आगे बढ़ती है और जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो सब डिलीट हो गई है, कुछ भी नहीं है वहां पे। लेकिन इस सब चीजों में जो सीरत कपूर रहती है उसको रवि तेजा कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। वो आके उसके घर पे बोलती है कि मेरे को तुमसे तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करनी, तुम्हारा बेटा एक नंबर का कमीना आदमी है, मैं शादी तोड़ रही हूँ। पूरे घर वाले उदास हो जाते, रवि तेजा फुल टेंशन में, क्या करूं, पुलिस की नौकरी करूं कि जाके उसकी बेटी को बचाऊं। तभी फ्रेंड्स वो सीन आता है, उसको पता चल जाता है कि फ्रेडी दारू वाला ही नहीं उस लड़की का खून किया था। एपिक सीन, फ्रेडी दारू वाला उसे रवि तेजा को गोली मारता फाट फाट, एक हार्ट में एक पेट में, रवि तेजा फ्रेडी दारू वाला को गोली मारता फाट फाट फाट, फैंटास्टिक सीन। दोनों जमीन पे गिर गए हुए, बस एंड के 15-20 मिनट बचे हुए। क्या रवि तेजा सच में एक पुलिस था? क्या होता है रौफ लाला को? क्या राशि खन्ना से शादी करती है? क्या क्लाइमैक्स में लोगों को इंसाफ मिलता है? क्या फ्रेडी दारू वाला जो अभी जिंदा है क्या वो मरा नहीं था? क्या है सब के बीच में? उसके लिए आपको जाकर देखना पड़ेगा क्लाइमैक्स ऑफ टच चेसी चूड़ू, जो कि एपिक क्लाइमैक्स है। यूजुअली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में 15-20 मिनट का क्लाइमैक्स रहता है, इसमें एक ही सीन है, दो डायलॉग है, विलन डाउन, ए इधर रूटीन का दबे, इधर क्लाइमैक्स टच चेसी चूड़ू, 3.5 स्टार, ब्लॉकबस्टर मूवी है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वहां के साउथ के क्रिटिक उसको 1 स्टार दे, 1.5 स्टार दे, घंटा। मैं 200 रुपया देके गया फिल्म देखने के लिए, मेरे ने पैसा वसूल फिल्म थी, मुझे बहुत मजा आया। स्टोरी भी थी, एक्शन भी था, गाना भी था, एक संडे का परफेक्ट आउटिंग जिसको बोलते हैं ना, इवनिंग को मैंने इंजॉय करके आया थिएटर में। 1.5 स्टार इसलिए कम दे रहा हूं, फिल्म बहुत बड़ी थी, VFX एकदम रद्दी था, जरा मजा नहीं आया VFX में। क्लाइमैक्स से पहले जो सीन्स है वो आपको थोड़ा बोर करने लग जाते हैं, इस वजह से मैंने फिल्म को 3.5 स्टार दिए, वरना 5 दे देता था। लेकिन 3.5 स्टार्स रवि तेजा स्टार चेसी चूड़ू, रवि तेजा यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, यू नो डोंट केयर व्हाट द क्रिटिक्स से, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू आर अ फैंटास्टिक एक्टर। राशि खन्ना, यू आर ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, फैंटास्टिक, बॉलीवुड इज वेटिंग फॉर यू, एंड सीरत कपूर, वी विल सी यू सून इन बॉलीवुड। सो फ्रेंड्स, अगर रिव्यू पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। हम हर हफ्ते आते हैं लेके तमिल, तेलुगु, मलयालम, इंग्लिश रिव्यूज एक्सक्लूसिवली हिंदी लैंग्वेज में। आप लोग का ऑर्डर कीजिए, उस फिल्म का रिव्यू हाजिर होगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन आएगा जरूर। इसलिए मैं आपसे साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू अनदर एपिसोड, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन। और हाँ, ये भी रिव्यू एक टेक में था, कीप वॉचिंग।